कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने हैं, उससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में बृजेश पाठक ने कहा कि हम सभी 9 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। और हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी हैं। सर, यादव फैमिली कंफ्यूज है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कुछ सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 6 सीटें जीत रहे हैं और शिवपाल 9 सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं जीत रहे हैं, शिवपाल यादव कह रहे हैं 6 सीटें जीत रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गई और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को लेकर के जिस ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप सो साबित हुई है, ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से 9 सीटों की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव 6 सीटों की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? उपचुनाव की फिर से चुनाव की बात कर रहे हैं रामगोपाल, मैं कह रहा हूँ ये आपस में पूरा परिवार कन्फ्यूज्ड है, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया है। सर, कैबिनेट की आज बैठक है, तमाम अहम प्रस्ताव होंगे, किस तरीके से देखते हैं, कितने फायदे? उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर एक पर यूपी आए, इसके अलावा विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ उपचुनाव के नतीजे आने हैं, तैयारियों में जुटी थी, अब दूसरी तरफ संगठन का पुनर्गठन भी चल रहा है, अब लगातार सक्रिय रहते हैं संगठन के कार्यों में, किस तरीके से देखते हैं संगठन के पुनर्गठन को? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, नए कार्यकर्ताओं को अवसर देने के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव को लेकर के आगे बढ़ने के लिए लगातार काम करती रहती है और ये सतत प्रक्रिया है और किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल कागजी खानापूरी होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचन आयोग के मुताबिक जन जन को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी से नए कार्यकर्ताओं को अवसर और पुराने कार्यकर्ताओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ने का काम करती है। सर, झांसी मेडिकल कॉलेज कांड की रिपोर्ट भी आनी है, रिपोर्ट तैयार हो गई है, किस तरीके की कार्रवाई देखते हैं? अब जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके समक्ष पुनः आएंगे। ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी थे, इनका सीधे तौर पर कहना है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जीतेगी, वहीं जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है, इनका सीधे तौर पर आरोप है कि वो कंफ्यूज है और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों के दम पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 9 सीटें जीतेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।